हाय एवरीवन। सो मैं ट्री सीरीज बना रहा था एंड अभी रात के अराउंड 2 बजे तो मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ डीएम्स आए रात को 1 बजे कि सुमित सर ने एक वीडियो डाला है, वेरी क्रिटिसाइज्ड यू, दैट इज़ व्हाट समवन सेड मी। तो उसने मुझे वीडियो का लिंक भेजा था, तो आई सॉ दैट वीडियो एंड मतलब मुझे क्रिटिसाइज तो नहीं लगा, बट मुझे ये लगा कि सर को काफ़ी मिसकंसेप्शन है। लाइक वॉट एवर आई पुट फॉरवर्ड 1 ईयर बैक, सर ने उसको काफ़ी मतलब गलत समझा एंड उसके अगेंस्ट पे सर ने बोला है। तो मैं सोचा कि लाइक आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लैरिफाई हिम एंड आई कुड हैव डन इट पर्सनली एंड आई डिड इट 1 ईयर बैक पर्सनली टू हिम ऑन हिज लिंक्डइन डीएम। लाइक जब मैंने 1 साल पहले वीडियो डाला था तो मैंने लिंक्डइन डीएम पे भी हम लोग का बात हो गया था, बट स्टिल सर आके पब्लिकली मतलब अराउंड 7-8 मिनट का बोल के गए। तो मतलब मुझे तो लगा नहीं कि बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ मेरे से प्रॉब्लम है यू कैन कम अगेन, लाइक आप मेरे से पर्सनली बोल सकते हैं, आई एम ओपन टू अ डिस्कशन एनी टाइम। सो जो भी है, ये वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी बंदे नए देख रहे हैं उनको पता नहीं है, लेट मी जस्ट गिव यू अ लाइक शॉर्ट ब्रीफ कि 1 साल पहले क्या हुआ था। तो 1 साल पहले आई वॉज एनरोल्ड टू स्केलर अकेडमी, राइट। तो अभी तो इनके प्रीपेड मॉडल्स हैं, पहले उनके पोस्टमेड मॉडल्स हुआ करते थे। पोस्टमेड मॉडल क्या होता है, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। बेसिकली वॉट दे यूज़ टू डू इज दे यूज़ टू एनरोल द टॉप नॉच स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इधर है, टॉप नॉच स्टूडेंट्स। उनकी एक एंट्रेंस टेस्ट होती थी जहाँ पे डीपी ग्राफ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते थे एंड उसके बेसिस पे वो सिलेक्ट करते थे बंदे, एंड उन बंदे को एक पैकेज का स्लैब दिया जाता था। जैसे मेरा, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मुझे बताया गया था 10 लाख या 12 लाख कुछ ऐसा था, मुझे अभी याद भी नहीं है। आपको अगर 10 लाख के ऊपर जॉब मिलता है तो आपको हमें 3 लाख रुपया देना था। सो आई एनरोल्ड इन टू दैट प्रोग्राम एंड मैं एनरोल इसलिए किया था, मैं ये भी क्लियरली कह दे रहा हूँ, क्योंकि उधर जब उन्होंने पूरा उस चीज़ का प्रचार किया था, इट वॉज कम्प्लीटली कि हमारा 500+, 500+, आई विल रिइटरेट दी नंबर, 500+ कंपनीज के साथ टाई अप है, हम इनके साथ आपका प्लेसमेंट्स का करवा देंगे, मतलब रेफरल्स वगैरह करवा देंगे। तो दैट इज़ द रीज़न आई एनरोल्ड एंड फिर मेरी प्लेसमेंट खुद से लगी थी, तो मैंने डिनाई किया था, पैसे नहीं देंगे, पैसे नहीं दूंगा। तो उन्होंने फिर लीगल वगैरह बोला था, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना के अपना एक्सपीरियंस डाला था। मैंने जब अपना एक्सपीरियंस डाला, इट रिसीव्ड लाइक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था कम्युनिटी को, कम्युनिटी से सॉरी। तो जब मुझे मिला था तो फिर उन्होंने फिर थोड़ा लीगल टर्म्स लिया था, मतलब मेरे पापा का नंबर कहीं से जुगाड़ करके उन्होंने लीगल फर्म हायर करके डिफेमेशन केस का धमकी दिया था कुछ करोड़ों रुपए का, एंड फिर ये भी बोला था कि आपके जॉब, जो भी आपका बच्चा का जॉब लगा है हमारा सोर्सेस है, हम रिवोक करवा देंगे ये वो। तो मैंने उसका भी वीडियो डाला था एंड फिर स्केलर अकेडमी गॉट इन टच विथ मी, फिर उन्होंने उस चीज़ का जो भी है मतलब बोला कि लीगल फर्म को लोग ने मना कर दिया डिफेमेशन केस का, इवन दे लाइक आई डिड नॉट पे एनी मनी। मैं यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ आई डिड नॉट पे एनी मनी बिकॉज आई पुट अप दैट वीडियो, दे लेट मी गो एंड फिर काफ़ी हुआ था एंड आफ्टर दैट स्केलर नेवर नेवर केम इन टू दैट पोस्टमेड मॉडल इन टू फ्रेशर्स। जो उन्होंने 8 या 7 या 8, मुझे अभी मतलब बहुत नंबर्स मेरा ख़राब है अभी, जो भी है जितने भी बैचेस लॉन्च किए थे फ्रेशर का, दैट वॉज द लास्ट दैट दे लॉन्च। आफ्टर दैट वीडियो दे डिड नॉट स्टार्ट एनी फ्रेशर्स का बैच एंड दे कन्वर्टेड इन टू अ प्रीपेड मॉडल, मतलब पहले पैसे दे दो फिर प्लेसमेंट्स का हम लोग देख लेंगे, लाइक वी विल गिव यू प्लेसमेंट बट पहले पैसे दे दो। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि स्केलर ने पोस्टपेड मॉडल फ्रेशर्स के लिए क्यों बंद किया था, राइट। ऐसा तो नहीं है कि देखो वो तो काफ़ी नॉलेजेबल है, वो बंदे फेसबुक में काम करके आए हैं, उनके काफ़ी लाइक ही इज़ अ लॉट मोर एक्सपीरियंस दैन मी, बट वो वीडियो डालने के बाद भी मतलब मैं ये कभी नहीं बोला, आई टेल दिस, आई सैट विद द फाउंडर्स फॉर 2.5 आवर्स, लाइक 2 घंटे का गूगल मीट हुआ था हमारा एंड हमने बात किया था एंड दोज गाइज वर लाइक दे टुक ऑल माई फीडबैक, लाइक सारा फीडबैक लेता। इसीलिए एक वीडियो स्केलर के अगेंस्ट है मेरे चैनल पर, और जो सेकेंड वीडियो था जो उसमें पापा मम्मी को धमकी दिया गया था, मैंने उसको रिमूव कर दिया था, क्योंकि दे जस्ट सैट विथ मी एंड दे अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड उसके बाद उन्होंने प्रीपेड किया था, सो दे डिड दोज चेंजेस। तो ये 1 साल पहले हुआ था। तो उसके बाद मैंने एक अवेयरनेस, क्योंकि पहले स्केलर आया था तो स्केलर ने बंद कर दिया, फिर देवर लॉट मोर कंपनीज गेटिंग इन टू लाइक बहुत सारे और भी 4-5 कंपनी उसी मोमेंट पे आ गए थे एंड दे स्टार्टेड इट। तो मैंने बिगेस्ट एजुकेशनल स्कैम बोल के और एक वीडियो बनाया था जहाँ मैंने बताया था कि अगर ऐसा ऐसा कोई कर रहा है एंड आपको ऐसे फॉल्स होप्स दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉल्स होप्स, की इतने कंपनीज में हमारा टाई अप है तो आप मत जाओ क्योंकि ये स्कैम है। कोई भी आपको रेफरल से ज़्यादा कंपनी के साथ टाई अप हो सकता है, स्टार्टअप्स के साथ, मतलब जनरली अगर कोई छोटी सी कंपनी है वो अमेजन के साथ या गूगल के साथ टाई अप नहीं कर सकता है क्योंकि उनकी अपनी हायरिंग प्रोसेस होती है। तो अगर आपको कोई इस नाम पे स्कैम कर रहा है तो आप मत जाओ, दैट वाज माय होल पॉइंट। इसके वजह से सेकंड वीडियो बना था। तो सुमित सर ने कमेंट किया था कि आई विल अगेन लॉन्च इट, तो फिर मेरा बात भी हुआ था कि दिस इज अगेन समवन हुज गिविंग फॉल्स प्रोमिसेस। तो आज अगेन 1 साल बाद सुमित सर ने एक वीडियो बनाया, तो देखते हैं सर क्या बोल रहे हैं एंड उसके ऊपर हम लोग बता मतलब आई विल जस्ट हैव माई पॉइंट्स एज अ क्लैरिफिकेशन। अगेन
नथिंग लाइक सुमित सर के अगेंस्ट कोई भी हेट नहीं है. आई पर्सनली लव हिज चैनल. मैं उनके वीडियोज़ फॉलो करता हूँ. लाइक इफ आई एम मेकिंग अ वीडियो आई वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज. आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज. सुमित सर के भी वीडियोज़ मैं देखता हूँ. वट इज़ द अप्रोच दैट ही इज टेलिंग, क्या जावा का कोड, क्योंकि मुझे जावा नहीं आता है बट मैं सी प्लस प्लस जावा दोनों का कोड अपलोड करता हूँ. मैं सुमित सर का बहुत बार कोड देखता हूँ. आई बी वेरी ओपन टू दिस. सो आई रियली एडमायर दिस गाय अलॉट. सो आई जस्ट हियर आउट क्या वो बोल रहे हैं. आप टेस्ट दो, इसमें आ जाओ, हम आपको पढ़ाएंगे और प्लेस कराएंगे 5 लाख रुपए कम से कम, ज़्यादा भी कराने की कोशिश करेंगे, फिर आपको 15% ऑफ द सैलरी देना पड़ेगा। अब आप होगी तो अनफेयर है, ये तो एविल है ये। अभी यहाँ पे एक बहुत की पॉइंट में मेंशन करना चाहता हूँ. सुमित सर क्लियरली बोल रहे हैं कि हम 5 लाख के ऊपर प्लेस कराने की कोशिश करेंगे. सुमित सर ने इस चीज़ को ब्रांड नहीं किया कि अमेजोन में प्लेस कराएंगे, एप्पल में प्लेस कराएंगे, यूबर में प्लेस कराएंगे, माइक्रोसॉफ्ट में करेंगे, गूगल में कराएंगे. डिड यू फाइंड दैट ओवर हियर? नो. एंड दिस इज वॉट स्केलर वॉज ऑल अबाउट एंड दैट इज वॉट आई स्पोक अबाउट. आई स्पोक अबाउट अ फॉल्स होप्स मत दो. सुमित सर बोले 5 के ऊपर कराएंगे. आई एम वेरी क्लियर कि 5 के ऊपर होगा मेरा सर. मुझे कोई बड़ी कंपनीज की आशा नहीं है, राइट? तो ये डिफरेंस है स्केलर और इस मॉडल में. एंड व्हाट वाज आई स्टैंडिंग अगेंस्ट, ये समझना पड़ेगा लोगों को. ड्राइवर भैया ने कहा था, स्केलर ने उनको लूट लिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ड्राइवर भैया ने कहा, ड्राइवर भैया ने कहा था स्केलर को, स्केलर ने लूटा नहीं, स्केलर ने फॉल्स होप्स दिया, स्केलर ने स्कैम किया मेरे साथ. बिकॉज क्लियरली था यार, आप कोई भी मेरे बैच को उठाओ, किसे ही पूछो यार, हमारे एंट्रेंस टेस्ट में ग्राफ्स डीपी मेरे से पूछा गया था एंड उसमें लिखा होता है 500+ कंपनीज है टाइड अप. अब तो उन्होंने वेबसाइट को रिफर्बिश्ड कर दिया. 500+ कंपनीज, जब स्केलर जितनी बड़ी ब्रांड, राइट? आज अगर टेकी फॉरवर्ड का नाम का मैं कुछ खोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं आपको 500+ कंपनीज में प्लेस करा सकता हूँ, तो आप मेरे पे यकीन नहीं करोगे. जब स्केलर जितना बड़ा ब्रांड आपको ये होप देते हैं ना, यकीन करोगे? आज अगर सुमित सर यहाँ पे बोलते हैं तो शायद बहुत लोग यकीन करें, बट जितने लोग स्केलर पे करेंगे उतने लोग शायद पेपकोडिंग पे, मतलब ये ब्रांड वाला चीज़ पे यकीन नहीं करें. समझना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग कंटेंट क्वालिटी, आई एम सेइंग ब्रांड वैल्यू. स्केलर की ब्रांड बहुत बड़ी है, उनकी जो फंडिंग है दैट इज़ अ लॉट. मैंने करोड़ों का फंडिंग मिला है उनको, तो एज अ ब्रांड हमने उन पर ट्रस्ट किया था. इसके लिए उनको साइबर भी आंदे थे, तुम चले गए, उनको अपने अपने हाथ से साइन नहीं किए थे। नथिंग अगेंस्ट साइबर, ना फिलोसफी लगा हुआ, उनको देर हुआ है, किसने सेल्स पिच बहुत अग्रेसिव दे दी होगी। मैं बहुत क्लियर सेल्स पिच दे रहा हूँ, हम आपको इनकम शेयर एग्रीमेंट के अंदर आइंस्टाइन तो बना नहीं रहे, हम आपकी इंश्योरेंस कर रहे हैं, प्लेस हो जाओगे। इंश्योरेंस में 1000-1000 रुपये कटता है, बंदा मर जाता है तो करोड़ रुपया मिलता है, पैसा ही है, पैसा तो लिया नहीं पढ़ाने का, प्लेस कर देंगे, प्लेस हो गए 15% ऑफ द सैलरी ले वापस आ जाओ। आप होगी एविल है, दिस इज बैड, दिस इज क्रूडेड, डोंट सब्सक्राइब, सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है, वहां से पढ़ ली। अब वो कोई सर्विस दी है पांच, वो छह, ये गारंटी जॉब प्रोग्राम वाला सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम में, आपके साथ हैं। अगेन पॉइंट, केलर का जो मॉडल था उसमें प्रीपेड का ऑप्शन दिया नहीं गया था. गारंट लाइक उसमें एक ही मॉडल था, पोस्ट पेड, राइट? एंड प्रीपेड मॉडल में भी प्लेसमेंट का पूरा बताया गया था. लाइक मॉडल वॉज वेरी वेरी डिफरेंट. तो आपको समझना पड़ेगा मैं किस चीज़ के अगेंस्ट था, ठीक है सर? और एक चीज़ भी मुझे जो लगा सर, कि मैं अंधा नहीं था. व्हेन यू आर फ्रॉम अ कॉलेज डजंट मैटर इफ यू आर अ 6 स्टार. लाइक थोड़ा सा आगे देखते हैं, इस चीज़ पे सर ने ही बोला है तो मैं अगेंस्ट बताऊंगा. हूँ, हाँ भाई, अगेंस्ट होकर कोई जीत पाया जिंदगी में, विन विन इज द ओनली थिंग, विन लूज में कोई नहीं जीत। गारंटी जॉब प्रोग्राम कोई जबरदस्ती थोड़ी आपको दे रहा, कोई आपको ठीक लगे ले लेना, या मेरे को रेलवेट लग रहा मेरे लिए ले लेना। साइबर भैया ने गलत काम किया है, साइबर भैया ने अनपढ़ तो है नहीं, 6 स्टार थे वो, अनपढ़ थे क्या, 6 स्टार थे, मुझे इतना दिमाग नहीं चलता था कि मैं इस चीज़ पर साइन कर रहा हूँ, दिस सीम्स लॉजिकल काइंड ऑफ थिंग। एक्चुअली व्हाट आई वुड से, प्रदीप पुनिया एंड स्ट्राइवर आर पस ऑफ द वर्ल्ड। अगेन सर, द अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट दैट आई गिव यू, यू कैन पुट योर पॉइंट, बट लाइक आई हैड दिस मीनिंग ओवर हियर, दिस इज़ बैड मैन. लाइक बहुत बच्चे आपको देखते हैं यूजिंग दीज काइंड ऑफ वर्ड्स, समथिंग दैट वी डोंट एक्सपेक्ट. यू कीप योर पॉइंट यार, यू कीप योर पॉइंट, दैट इज़ ओके. आप किसी को नीचा दिखा के क्यों पॉइंट रख रहे हो? मैं भी जब स्केलर के अगेंस्ट पॉइंट रखा था, आई डिड नॉट सेम कि ये, मतलब मैंने कुछ गाली नहीं दिया था. आई पुट फॉरवर्ड माई एक्सपीरियंस, राइट? तो आप किसी को, मतलब आप वर्ड्स मत टैग करो. दैट्स दिस इज समथिंग विच हर्ट्स. लाइक इफ इट कम्स फ्रॉम समवन लाइक यू, इट हर्ट्स. अनफॉर्चुनेटली आई टू से, कैसे अगर वो चीज इतनी बुरी है, व्हाई डोंट यू प्रोवाइड अ बेटर अल्टरनेटिव। प्रदीप पुनिया ने कहा व्हाइट हार्ट दुनिया में यही बुराई है, वो इतना बुरा है, मैं तो धंधा बर्बाद करके रहूंगा। आप तो एक्टिविस्ट हो गए, अगर आप इतना बुरा है वो, आपका प्रोडक्ट कहाँ है, आप क्यों नहीं एक बेहतर प्रोडक्ट दे रहे हैं? प्रदीप हाँ, सर, सब अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते, राइट? अगर अरविंद केजरीवाल अन्ना लाइक आई एम नॉट गोइंग टू पॉलिटिक्स, बट हाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला प्रोडक्ट, अरविंद केजरीवाल स्टार्टेड हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी. आज अगर मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने जाता हूँ एंड मुझे दिखता है 100+ रुपए का पेट्रोल है, तो मैं ये नहीं बोलता मैं अपना पेट्रोल का, मैं कुछ अपना शुरू करूंगा.
वी स्टेट अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड दैट इज अवर राइट टू से इफ यू आर टेकिंग अ प्रोडक्ट यू फील इट इज बैड यू से यू फील समथिंग इज गोइंग अराउंड बैड यू से राइट ये बहुत सिंपल है यार. अगर आपको कोई चीज़ बुरा लगता है आप बोलोगे, इसका ये मतलब नहीं आप अपना प्रोडक्ट बनाओगे फिर बोलोगे. प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव एंड देन से, ये तो रॉन्ग कंसेप्शन है. तो ऐसे तो जिंदगी में कोई भी बंदा कुछ भी स्टार्ट कर देगा एंड आप कभी उसको बुरा मत बोलो, क्योंकि उससे पहले आप उस वो प्रोडक्ट बनाओ फिर बोलो. ये लाइक दिस डजंट मेक सेंस. Why don't you provide a service and let's see them how easy it is to provide a service. Itna aasan hai. Main aapko aashwasan deta hu ki tumhe Cisco mein de. Cisco mein job karna bahut aasan hai. This is wrong. Like आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते कि सिस्को में जॉब करना आसान है. मतलब तो इस मतलब करके देखो निकल के अपने हाथों से चार चार साल की मेहनत जीरो होते हुए देखो क्या जाता है. यूं ही जीरो हो जाता सब कुछ. पर देखो सब पता लगेगा कब आपके पास कहने का. सर ये गलत है. मतलब आप सिस्को पे वो बंदा काम करता है, ठीक है, आप कोविड को कंडेम करो, सही बात है. मतलब आपका चार साल का सेविंग्स कर गया. Everyone faces that. Everyone faces. Like I'll tell you my story. मेरे पापा की जॉब चली गई थी कोविड में, ठीक है, मार्च में. एंड आई वॉज डूइंग एन अमेजोन इंटर्न. मैं अमाउंट्स भी बता रहा हूँ. मुझे 60,000 महीने के मिलते थे. तो मुझे सेमेस्टर फीस देना था अपना, अपने कॉलेज के हॉस्टल फीस देनी थी उस टाइम पे. एंड मुझे अपने जितने भी पापा के EMIs थे, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, पापा का जॉब चला गया था उस टाइम पे, आई हैड टू पे ऑल ऑफ दोज. तो अगर मैं उस मोमेंट पे, मतलब एवरी वन हैज़ देयर प्रॉब्लम्स, बट अगर मैं वो स्केलर के टाइम पे अगर ये वाला चीज़ मैंने मेंशन कभी नहीं किया, वो वाला चीज़ मैं, मेरा पापा का जॉब मार्च पे गया था, मेरा वीडियो अप्रैल में आया था. तो अगर मैं मेंशन करता पापा का जॉब चला गया, आई कैनॉट पे, नहीं, आप चीज़ों को ढकने के लिए ये चीज़ नहीं बोल सकते. अगर आपकी प्रोडक्ट गलत है तो गलत है. नहीं, आपका प्रोडक्ट गलत नहीं है, मैं स्केलर की बात कर रहा हूँ. आपका प्रोडक्ट दूसरा अलग, थोड़ा सा अलग है, ये डिफरेंस है. अगर सर प्रदीप पुनिया को कुछ चीज़ गलत लगा तो लगा, एंड ही विल स्पीक आउट. एंड वाई वॉज ही सपोर्टेड बाई सो मच ऑफ पीपल, आर दे मैड? सर सब में नॉलेज है. एंड वाई लाइक इतने लोग क्यों सपोर्ट किए उसके? बिकॉज ही वॉज राइट. जब आप राइट होते हो ना, तो फॉर एग्जाम्पल अभी जो लड़की वाला वायरल हुआ, जो वो थप्पड़ मार रही है, ठीक है, तो उसको कितना सपोर्ट मिला? क्यों मिला? क्योंकि वो गलत थी. सॉरी, लड़का को क्यों सपोर्ट मिला, लड़की को क्यों बदनामी मिला? क्योंकि वो लड़की गलत थी. सर अगर आप गलत हो तो लोग गलत बोलेंगे, राइट? तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा. अभी तक स्ट्राइवर ने इस देश को कुछ वीडियोस बनाई हैं, हमसे आसपास भी नहीं है. उसमें कहता मैं तो जॉब कर रहा हूँ भाई, क्यों करा, छोड़ दे, नहीं मजी है तो जॉब छोड़ दे. सर ये तो मतलब दिस इज, मतलब पहला बात तो लाइक व्हेन आई मेक वीडियोस, ठीक है, मैं जितना बनाता हूँ 150-200 बनाए, मैं खुद बनाता हूँ, मैं खुद ही एडिटर हूँ, मैं खुद ही रिसर्च करता हूँ, खुद ही अपलोड करता हूँ. थंबनेल्स मेरा एडिटर बनाता है, क्योंकि थंबनेल्स थोड़ा टाइम लगता है तो मैं नहीं बनाता, बाकी सब कुछ मैं करता हूँ. मैंने सर 150-200 वीडियोस जो भी बनाई है लास्ट एक साल में खुद से बनाया है, भले अमाउंट कम हो, बट मैं आई डोंट से कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब आई डोंट से कि मैं मसीहा हूँ. तो मैं बनाता हूँ, लोगों को पसंद आते हैं, लोग देखते हैं. एंड सर दैट इज ब्रांड प्रमोशन, ऐसे ही होता है. मैं बोलता हूँ मेरे वीडियोज़ लोगों को पसंद है, मैं कोई कमेंट अच्छा करता है, किसी की जॉब लगती है, मैं वो पोस्ट करूँगा ही. सर दैट इज़ अ वे ऑफ सेल्फ प्रमोटिंग, राइट? तो मैं ये नहीं बोलता कि जॉब कर रहा हूँ मैं, लाइक आई डोंट क्राई अक्रॉस द वर्ल्ड मेरा जॉब है ये है, राइट? वो चीज़ नहीं करता मैं. तो मैं क्यों जॉब छोड़ूँ? सर जॉब एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होती है, जो अपने घर के लिए होती है. सर मेरे घर में EMIs चलती है, मेरे घर में पापा के इंश्योरेंस चलते हैं, पापा की मेडिकल जो चीज़ होती है. सर मैं जॉब नहीं छोड़ सकता वीडियो से. मैं आज यहाँ पे यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, मेरी यूट्यूब की अर्निंग, यूट्यूब की जो भी अर्निंग्स है, दैट इज़ मोर देन माई करेंट फुल टाइम सैलरी. बट इसका मतलब नहीं है मैं जॉब छोड़ सकता हूँ. हम मेरा यंग माइंड, मुझे पता है बहुत यंग माइंड बोलेंगे स्टार्टअप खोल दे, ये खोल दे, बट हमें फैमिली देखना पड़ता है. मैं अकेला ही लड़का हूँ घर में, एंड आई हैव टू सी एवरीथिंग. सो हम तुरंत डिसीजन नहीं ले सकते, छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे. उनका बुरा है, सही क्या है? देयर इज योर करेक्ट थिंग. ड्राइवर जी कहाँ है? आप 6 स्टार थे, आपने पढ़ लिख कर इंजीनियर शेयर एग्रीमेंट साइन किया था, कैसे गलती हो गई? सर गलती तो नहीं हुई,
आप शायद फियर फैक्टर को नेक्स्ट बोलेंगे, तो मैं किसे गलती एक साथ होगी? डोंट सुन यू लेते अंडरस्टैंड हैं। इंश्योरेंस? इंश्योरेंस नहीं समझते आप? तो वो कहता, वो तो फांस दिया था, मेरे फियर पे खेला था। इंश्योरेंस हमेशा फियर पे खेलती है। आप कह रहे हो कि ये लोग आपके फियर पे खेल रहे हैं। यू अंडरस्टैंड, लाइफ इंश्योरेंस ऑलवेज ऑलवेज आपके फियर पे खेलती है। कौन से फियर पे? क्या आप मर सकते हैं? आप मर जाएंगे, आपकी फैमिली की देखरेख कौन करेगा? लाइफ इंश्योरेंसेस आर अ फियर प्रोडक्ट। फियर का प्रोडक्ट ही है इंश्योरेंस। किस चीज का प्रोडक्ट है? यू मे डाई, व्हाट मे हैपन टू योर वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड योर ओल्ड पेरेंट्स, विल टेक केयर ऑफ देम। इट इज फियर बीइंग सॉल्वड। इट इज अ फियर का प्रोडक्ट है। फियर को इंश्योर कर दिया, आपको घबराने, आप मर गए, आप 1,000 देते हो, आप मर गए, आपको कोई पोस्टपेड प्रोग्राम्स, इंश्योरेंस का प्रोग्राम। करेक्ट सर, पोस्टपेड प्रोग्राम्स इंश्योरेंस का प्रोग्राम है। इंश्योरेंस जब आपने बोला है, तो लेट्स क्लैरिफाई इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, व्हाई डिड दिस रन? जब लेट्स से कल को मेरा डेथ हुआ, राइट, मेरे कुछ इंश्योरेंस है, तो लेट्स से 10 लाख, एक्स 10 लाख के अमाउंट के इंश्योरेंस है मेरे नाम। अगर कल को मेरा डेथ हो जाता है, क्यों पता है, लाइक अगर मेरा डेथ होता है तो मम्मी पापा को 10 लाख मिलेंगे, मिलेंगे मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट? ऐसा नहीं होने वाला इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी नहीं आपको नहीं मिलेगा। अरे सर, मैं सुसाइड वगैरह करता हूँ तो अलग बात है, बट अगर मेरी नॉर्मल डेथ होती है या फिर कोई भी डेथ होती है, तो मेरे घर वाले को 10 लाख मिलेंगे कल। दैट इज़ द रीज़न ये प्रोडक्ट इतना सक्सेसफुल है, डिस्पाइट इट बीइंग अ फियर प्रोडक्ट, क्योंकि दे हैव प्रूव्ड। व्हाई डिड स्केलर क्लोज दैट मॉडल इफ इट वॉज सो मच सक्सेसफुल? व्हाई इज इट नॉट अगेन लॉन्चिंग 5 बैचेस फॉर फ्रेशर्स? तुरंत नेक्स्ट ईयर क्यों नहीं लॉन्च किया? अगर इतना लाइक दे गिव सो मच ऑफ डेटा कि इसने प्लेस हुआ, उधर प्लेस हुआ, व्हाई डिड दे नॉट लॉन्च इट? दस फियर का प्रोडक्ट एक बार मार्केट में बिकता है, लेकिन अगर आप फियर को जो आप गारंटी दे रहे हो, आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे, तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं बिकता है सर। अगर इंश्योरेंस जब फर्स्ट एग्जिस्टेंस पे आया, उन्होंने बंदों से पैसा लिया, अगर बंदे मर गए, अगर कुछ हो गया, पैसे नहीं देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो बंदा नहीं करेगा, एंड वो बंदा 10 को जाके बोलेगा कि तू मत कर, तो वो इंश्योरेंस आज तक सर्वाइव नहीं करता। ये डिफरेंस है सर। एक पोस्टपेड में जब आप गारंटी देते हो, दैट गारंटी इज लाइक आप 5 लाख बोल रहे हो, इट इज़ ओके, राइट? 5 लाख मुझे पता है, 5 लाख के लिए मैं 3 लाख दे रहा हूँ, दैट्स ओके। लाइक अगर मुझे कोई बोलता है गूगल में दे दूंगा, तो टायर 3 के मैं तो लिख के दे रहा हूँ। अगर कोई बंदा लाइक गूगल आके बोलता है ना कि गूगल का प्लेसमेंट प्रोग्राम ले लो, अमेजन का, अमेजन अपना प्लेसमेंट प्रोग्राम निकालता है, टायर 3 के आधे बंदे चले जाएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। समझ, थोड़ा डिफरेंस है सर इस चीज़ में, आपको समझना पड़ेगा। इंश्योरेंस एक बड़ी ब्रांड जब बोलती है, तब लोग फियर से ज़्यादा ट्रस्ट एंड फियर पे जाते हैं कि हाँ मुझे डिलीवरी मिलेगी, डिलीवरी के लिए मैंने साइन किया था, कि आई वॉज अश्योर्ड कि स्केलर ने बोला, स्केलर द बिग ब्रांड, राइट? पैसे मत दे, रिस्क सारा हमारा, रिस्क सारा हमारा, तो बस पढ़ ले, प्लेस हम करा देंगे, बाद में देना है। प्लेस हो गया तो, जैसे मर गया तो घर वालों को पैसे मिल जाएंगे, प्लेस हो गया तो पे करना है। इट इज एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट, और उसमें ऐसा ही होता है, ज़्यादा देना पड़ता है। अब ये ना कहो कि 3 लाख ले रहे हैं, लूट हो रही है, लूट हो रही है, भाई हमने 6 प्रोडक्ट दूसरे भी दिए हैं, मत लो पोस्टपेड, वो लूट है तो ऑल्टरनेटिव है, वो भी लूट है, यू टू भी फ्री है, तो लूट क्यों रहा है? हमारा ही फ्री प्रोडक्ट है, हमारे लिए फ्री का कस्टमर भी उतना ही कस्टमर है। मैं फ्री में भी कुछ कर लूंगा, रोटी खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ प्रदीप पुनिया एक्ट्रेस तो है, पॉइंट पूरी तरह से नहीं, मतलब देश के अंदर लेफ्ट लीनिंग लोग भी हैं, राइट लीनिंग लोग भी हैं, कैपिटलिज्म भी है, कम्युनिज्म भी है। कम्युनिज्म और सोशलिज्म मास को बहुत अच्छा लगता है, जब केजरीवाल फ्री इलेक्ट्रिसिटी बांटते हैं अच्छा लगता है। कम्युनिज्म के अपने नुकसान है, सोशलिज्म के अपने नुकसान है। अगर सोशलिज्म में नुकसान नहीं होते ना, तो रशिया दुनिया की ग्रेटेस्ट कंट्री होती, चाइना दुनिया की ग्रेटेस्ट कंट्री होती। चाइना दुनिया की ग्रेटेस्ट कंट्री है नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर। सोशलिज्म हैज इट्स पिटफॉल्स। जब केजरीवाल जी उसे फ्री करते हैं तो देश का नुकसान होता है कहीं ना कहीं। यूएस डिड बेटर देन रशिया। अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, डू नॉट अंडरस्टैंड, हॉगवॉश में मत जाओ, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करो। ये जो पोस्टपेड प्रोग्राम्स हैं, मैं इनको आपको अच्छे समझा रहा हूँ, पोस्टपेड प्रोग्राम्स इंश्योरेंस का प्रोग्राम्स हैं। सर आपने जैसे बोला अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, तो समझना होगा अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट आई स्टूड अगेंस्ट, आई स्टूड अगेंस्ट फॉल्स। मैंने अभी रिसेंटली अमन दत्तरवाल के अगेंस्ट एक पोस्ट, आई नेवर सेड कि तूने क्यों खोला है अपना क्यों खोला है ऐप। आई ऑलवेज सेड तूने गलत होप्स क्यों दिया। आई विल ऑलवेज बी स्टैगनेंट अगेंस्ट, आई विल ऑलवेज स्टैंड अगेंस्ट अगर आप गलत होप्स पे चीज़ें बेच रहे हो। सर आप क्लियर हो कि मैं अमेजन लाइक यू आर नॉट स्टेटिंग, मैंने आपको यहाँ पूरा आपका चार्ट लिखा हुआ है, यू आर सेइंग 5 लाख के ऊपर मिलेगा, यू आर नॉट सेइंग 30 लाख की जॉब्स मिलेंगे, आर यू? सो आपको वीडियो मेरा वापस स्क्रॉल बैक करके देखिए, मैंने जब गूगल का कोऑर्डिनेशन का डी शॉ का रेफरल मांगा था स्केलर से, उन्होंने मुझे नहीं दिया था डिस्पाइट प्रॉमिसिंग, इस वजह से आई स्टूड अगेंस्ट। आप 30 मिनट का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन पर छोड़ दूंगा, आप जाके देखो। माई पॉइंट वॉज नॉट कि मेरा प्लेस, लाइक मेरा पॉइंट ये था कि आपने रेफरल नहीं दिया बोल के कि रेफरल मिलेगा, ये मेरा पॉइंट था हमेशा से।
यू सोल्ड इट ऑन द नेम ऑफ समथिंग एल्स एंड यहाँ आप काफ़ी क्लियर हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा आई एम नॉट स्टैंडिंग अगेंस्ट एन ISA ऑफ योर काइंड. आपका तो बहुत क्रिस्टल क्लियर है, आके ले लो. मुझे तो लगता है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरे कॉलेज में आप ये बेचोगे कोई नहीं लेगा. 5 लाख के जॉब्स के लिए मेरे कॉलेज में 3-4 लाख की मिल जाती है लोगों को, तो 2 लाख के ज़्यादा जॉब के लिए कोई आपको 3 लाख नहीं देगा. ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है. तो अगेन आपकी मॉडल डिफरेंट है. ये तो फियर आपको डरा के लूट रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस हमेशा ही ऐसी होती है, यही फियर का प्रॉब्लम. मर गए तो क्या होगा घर वालों का, ऐसा करो रिस्क हमारा कर दो, हम 1000 रुपये देते रहो, गलती से मर गए तो हमारा रिस्क है, हम आप घर वालों को करोड़ रुपए देकर संभाले. ऐसे ही एडमिट हो, इंश्योरेंस है, पढ़ लो, प्लेस हो गए तो दे देना, नहीं प्लेस हो गए तो रिस्क तो हमारा ना, ठीक है. और सुबह रिस्क सर हमारा भी है, हम प्लेस नहीं हुए तो लाइफ इंश्योरेंस भी ऐसा ही होता है. मरना कौन चाहता है, उसमें होता है कोई पैसे लेके मरता थोड़ी है. तो हमारे पैसे रुकने के लिए तुम गारंटी जॉब प्रोग्राम में जॉब लगाने से रोकोगे थोड़ी. एंड स्ट्राइपर वॉज अर्मेंट बीटेक ग्रेजुएट कर लिया था, 6 स्टार था, तो भाई को समझ क्यों नहीं आया. इट इज इंपॉर्टेंट, कुछ भी बोले तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर पीपल आर सेइंग आई वांट टू रीड दैट. कुछ नहीं पड़ता, इट इज इंपॉर्टेंट. मैं स्ट्राइपर की ना अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्राइपर का 1 साल पुराने की बात कर रहा हूँ. स्ट्राइपर ने हमारी तारीफ की तब भी मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो 1 साल पहले भैया ने कहा था. मैं एक्चुअली पता है इट इज नॉट अगेंस्ट स्ट्राइपर तो भैया वीडियो बना रहा है, उसको दे रहा है, उसके अगेंस्ट नहीं है. पहले समझो कि क्या है ये, उस पॉइंट के अगेंस्ट है जो भाई ने बात करी. इट्स एन आइडियोलॉजिकल लॉजिकल बात, मैं आइडियोलॉजिकल बात करना चाहता हूँ उसके अगेंस्ट. नहीं सफर आखिर इट इज नॉट कॉन्ट्रोवर्सीज बेटा, इट इज नॉट कॉन्ट्रोवर्सीज. आप सब बिल्कुल ना समझे ये कॉन्ट्रोवर्सीज है, बिल्कुल भी कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं करता. मैं भी कोई नहीं, लाइक मैं बहुत लाइक आई एम जस्ट गिविंग रिप्लाई, लाइक आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि अगर कोई सर का वीडियो देख रहा है ही शुड नो कि वट वॉज आई स्टैंडिंग अगेंस्ट. क्योंकि अगर कोई सर का वीडियो देखेगा ही विल थिंक इज ड्राइवर पूरा ISA के अगेंस्ट. आई वॉज अगेंस्ट एन ISA विच गिव्स यू फॉल्स प्रोमिसेस. देर इज अ डिफरेंस. आई एम अगेंस्ट एन ISA विच गिव्स यू फॉल्स प्रोमिसेस एंड मेक्स यू एनरोल. स्केलर जो उन्होंने किया था, क्या किया था उन्होंने, दे हैड एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जहाँ DP ग्राफ्स के क्वेश्चन आते हैं. DP ग्राफ्स के बंदे जो DP का सवाल कर लेगा वो DSA सीखने क्यों जाएगा, जब आप क्रीम बच्चे लेके. अगर क्रीम बच्चे आप ले रहे हो एंड चलो आपके रेफरल के थ्रू उनकी प्लेसमेंट होगी, ठीक है, तो आप पैसे ले लो. बट अगर वो क्रीम बच्चा का प्लेसमेंट खुद से हुआ तो वो 3 लाख रुपए क्यों देगा. आई एम वेरी श्योर कि सर का यहाँ पे वैसा कोई एंट्रेंस टेस्ट है नहीं. मैंने पढ़ा नहीं, मैंने बाकी वीडियो देखा नहीं बिकॉज मेकिंग 3 सीरीज. बट हाँ एंट्रेंस टेस्ट अगर होगी भी आई गेस एप्टीट्यूड वगैरह की होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. बट अगर सर भी DP का ले रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है. अगर एप्टीट्यूड का ले रहे हैं तो बहुत सही है. अगर सर बोल रहे कि मैं DP का क्वेश्चन देने वाला तो वो प्रोडक्ट गलत है. चाहे सर करे चाहे मैं कल को करूँ वो गलत है. ये वीडियो को आप सेव कर लो, आप डाल सकते हो. देखो कॉन्ट्रोवर्सी के अगेंस्ट मैं तुमको कुछ ऐसा कहता हूँ, कॉन्ट्रोवर्सी ना समझो. मैं एक बात करूँगा कॉन्ट्रोवर्सी बिल्कुल ना समझो, फिर मैं तारीफ करता हूँ बंदे की, इसलिए तारीफ करता हूँ ताकि से तुम कॉन्ट्रोवर्सी ना समझो. ड्राइवर शार्प है, शार्प है तभी तो 6 स्टार बना. नंबर 2 वीडियो अच्छी बनाता है, इंग्लिश बनाता है, स्मार्ट भी है, इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा स्मार्ट ना, तो मैं 6 स्टार बना, इंग्लिश वीडियो बना पाता हूँ, तो तारीफ कर दिया. अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान सुनो, अब मैं सिर्फ उस बात की बात कर रहा हूँ, किस एक बात की, इस बारे में बात कर रहा हूँ. तो उन्होंने पॉइंट उठाया, मुझे वो करेक्ट नहीं लगा. उन्होंने पॉइंट उठाया था कि ये मुझे फियर का प्रोडक्ट है, आपको फियर का, आपको डराकर और आपसे इतना पैसा बाद में ले जाता है. अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, इंश्योरेंस का प्रोडक्ट इज ऑलवेज फ्री का प्रोडक्ट, ठीक है. तो वो प्रोडक्ट क्या है, फियर कैसे इंश्योरेंस फ्री का, उसका फियर का प्रोडक्ट होता है. फियर प्रोडक्ट कैसे होता है कि आप 1000 रुपये करो, मर गए तो 1 करोड़ दे, ऐसा ही है इसके अंदर. गारंटी जॉब प्रोग्राम में आप ऐसा करो, आप पढ़ लो, जॉब लगी तो दे. गारंटीड जॉब प्रोग्राम सर, अगेन फिर से मैं रिएट्रेट करूँगा, अगर मेरी बाहर से जॉब लगती है तो लाइक देर शुड बी अ डिडक्ट, यू शुड नॉट टेक 3 लाख. दैट इज़ वॉट आई अगेन स्पीक. आप 3 लाख क्यों लोगे अगर मेरी बाहर से जॉब लगी, आप पढ़ने के अपने फीस ले लो. लाइक आई अंडरस्टैंड यू हैव अ टीम विच यू हैव टू मैनेज, कम्प्लीटली ओके विद इट, प्रॉफिट सब बनाते हैं, यू हैव अ टीम विच मैनेजेस. बट अगर एक टीम ने मुझे एक प्लेसमेंट नहीं दे पाई, अगर आपने मुझे रेफरल दिया मैंने रिजेक्ट कर दिया तो ठीक है, दैट्स डिफरेंट. बट अगर आपकी टीम ने पूरा मेहनत करके मुझे जॉब नहीं हो पाया, फिर कुछ ऐसा चलो आपने कोई मुझे रेफरल नहीं दिया, कोई भी नहीं, अगेन रिएट्रेट कर रहा हूँ, कोई भी रेफरल नहीं दिया, तो मैं क्यों पे करूँगा. जो मेरे साथ हुआ था स्केलर में, स्केलर गेव मी 0 रेफरल्स, रिपीट, स्केलर गेव मी 0 रेफरल्स, आई गॉट माई प्लेसमेंट ऑन माई ओन. वाई वुड हैव आई पेड स्केलर, दैट्स माई पॉइंट. अगर आप आज अपने प्रोडक्ट गारंटीड GGP जो आप बेच रहे हो, अगर आप बंदे को 15-20 कंपनीज में इंटरव्यू देते हो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है एंड फिर वो खुद का लगा लेता है, तो आप पैसे, ठीक है, उसे साइन किया, उसको पता है उसको 15 रेफरल मिले तो उसको पता था. बट अगर उसको 0 रेफरल्स आपकी तरफ से मिला है,
ये सब ने पढ़ाया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट उसको अगर जीरो रेफरेंस आपके तरफ से मिला है एंड बंदा जाके बाहर से कहीं जॉब लगा लिया, तो कहीं ना कहीं ये अनफेयर है। एंड इंश्योरेंस ये चीज़ नहीं करता है, इंश्योरेंस फेयर का प्रोडक्ट है, बट वो 1 करोड़ में ये नहीं बोलता है ये लो 10 लाख, अगर 1 करोड़ मेरी इंश्योरेंस है वो ये नहीं बोलता है 10 लाख लो, 90 लाख नहीं दूंगा, क्योंकि बंदा समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सेलिंग अ फेयर का प्रोडक्ट विथ करेक्ट रिटर्न, रिटर्न मिलता है मुझे इंश्योरेंस से, ये डिफरेंस है सर, ये आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस। साथ में प्रीपेड प्रोग्राम से साथ में फ्री कंटेंट, अगर आपको ये अवेलेबल लग रहा है फ्री कंटेंट है, अगर आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है या थोड़ा डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है हमें पढ़ना होगा, तो सेम प्रोडक्ट से बिल्कुल सेम कंटेंट फ्री में भी है, बिल्कुल सेम कंटेंट हमने हम अपने लाइफ में पढ़ाते हैं प्रीपेड में, ठीक है, तो यू पहला हो क्या लेते हैं ये चीज़ पे मैं भी आइट्रेट कर दे रहा हूँ, मतलब मैंने कुछ कोड फोर्सेस कमेंट पढ़ा था एंड देर वॉज समन हु पोस्टेड अ कमेंट हु इट्स स्टेटेड कि देर आर सम पीपल हु से बैड अबाउट स्केलर एंड देन दे स्टार्ट देयर ओन एजुकेशन बिजनेस। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइमलाइन क्लियर कर देता हूँ। नवंबर डिसंबर 2019 इज़ व्हेन आई स्टार्टेड माई फर्स्ट पेड कोर्स, इट वेंट फुल, इट हैड 27 एनरोलमेंट्स। My next batch went live on January 2019, which has 35 or 36. Next went on February. Again, it had around 40 around. फिर मेरा मार्च में गया था, मार्च में मेरा बैच फुल था, बैच की लिमिट 40 थी, मेरी बैच फुल हो गई। मार्च इज वेन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, द डे आफ्टर आई गॉट प्लेस्ड, आई गॉट माई ऑफर लेटर फ्रॉम, बिकॉज मुझे पढ़ना नहीं था, मुझे पढ़ाना था हमेशा। आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल 13th March. सो आई केम टू यूट्यूब आफ्टर माई पेड कोर्स वॉज फुल, आई नेवर केम टू सो सेल माई यूट्यूब सेल माई लाइफ कोर्स, ठीक है। मैंने हमेशा फ्री कंटेंट दिया है, अगर आप नोटिस करोगे मैंने कभी ये नहीं बोला है भाई ये यहाँ पढ़ लो, लाइक जनरली जो होता है आप ये यहाँ पढ़ लो, इसका बाकी का कंटेंट आप इधर पढ़ लेना, ना सर कर रहे हैं, सर भी बोल रहे हैं फ्री का कंटेंट है हमारे चैनल पर पढ़ लो, मैं भी बोलूँगा आप पढ़ लो पूरा, मैं भी सेम चीज़ बोलता हूँ। अगर आपको लाइव पढ़ना है, मुझसे कोई पूछता है भाई आपका लाइव कोर्स लेना चाहिए, आई से कि देख पहले फ्री का देख ले, मैंने भी फ्री से पढ़ा है, अगर तेरे पास टाइम है बहुत तो फ्री का थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, मैं भी मानता हूँ, सर का आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं है, फिर मेरा वीडियो देखोगे हो सकता है आपको मेरा ना आए, आप तीसरे का देखो शायद उसका आ जाए, हो सकता है कल को पहला मेरा वीडियो देखो वही समझ में आ जाए, ज़रूरी नहीं है आपको हर क्रिएटर का पहला वीडियो समझ में आए, राइट। मुझे लगता होगा मेरा कंटेंट ए क्लास है, सर को लगता होगा सर का कंटेंट ए प्लस है, किसी और को लगता होगा मेरा ए डबल प्लस है, लेकिन यूज़र डिसाइड करता है। फॉर एन एग्जाम्पल अमन धतरवाल जो काफ़ी ट्रेंड में है, ही ऑलवेज मार्केटेड हिज कोर्स की माइक्रोसॉफ्ट का बंदा बना रहा है, गूगल का बंदा बना रहा है, अम ओके विथ इट, बट ही एडेड समथिंग वर्ल्ड्स मोस्ट प्रीमियम एंड एनिमेशन जो भी था स्टफ इज, आप एक कोर्स को ठीक आप मार्केट कर रहे हो बट जितना आप हवा बनाते हो ना आप उतना डिलीवर करो, आप अगर डिलीवर नहीं कर पा रहे हो तो आप हवा मत बनो, दैट इज माई पॉइंट, राइट। जैसे सर का कंटेंट एक क्लास है, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हो गो एंड चेकआउट हिज चैनल, मेक श्योर यू वॉच इट, क्योंकि आप लाइफ तभी लेते हो जब आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको स्ट्रक्चर चाहिए, आपको फास्ट चाहिए, मैं भी वो भेजता हूँ, मुझे नहीं लगता वो गलत है यार, फ्री का कंटेंट तो है सबको पता है, तुम्हें भी पता है, अगर तुम देख रहे हो तुम्हें भी पता है, बट तब तुम क्यों ले रहे हो कोर्स, क्योंकि तुम्हें पता है मैं भैया से इंटरेक्ट कर पाऊंगा, एंड यार इंटरेक्शन के पैसे होते हैं, अगर आप बोलोगे तू तो 1 लाख के ऊपर कमाता है महीने का, तू क्यों लेगा इंटरेक्शन के पैसे, कल को जब खुद जॉब करोगे 9 घंटा, उसके बाद जब आप सैटरडे संडे नेटफ्लिक्स नहीं देख के एक बैच ले रहे हो या फिर फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जा रहे हो बैच ले रहे हो, वी आर इन्वेस्टिंग टाइम एंड ये एज वापस नहीं आएगा, एंड जब आप कोई आप खुद भी आप टाइम इन्वेस्ट करोगे देर इज़ अ सर्टन चार्ज फॉर इट। रिकॉर्डेड का मैं इसलिए किसी से कुछ नहीं चार्ज करता क्योंकि मैं एक टाइम मेहनत करता हूँ एंड आई मेक इट फ्रॉम एड रेवेन्यू, राइट। मेरा लॉन्ग रन 1-2 साल में 1.5-2 हज़ार का एड रेवेन्यू आ जाता है एक वीडियो का, 1.5-2 हज़ार बोल रहा हूँ, इट्स ओके, ठीक है। नेवरदलेस अभी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, हाँ कोर्सेज अभी आए नहीं है, आपको मैंने 6 प्लॉट्स उसकी मैंने थोड़ी बना डाल दिया, पढ़ते रहो भैया, ठीक है, उससे पढ़ना इतना आसान होता तो हमारे प्रॉब्लम्स पहले गीक्स और लीक्स था, गीक्स और लीक्स से पहले कॉर्मन की किताब थी, कोई प्रॉब्लम है उसके लिए हमारी सर्विस पेड है, सर्विस के अंदर हमारा रोज का मेहनत लगती है तो उसके वो पेड है, करी नहीं सकती उसके बिना। तो नॉट ए डिग्री क्या है, नैट प्रो नॉट ए डिग्री प्रोग्राम है, फर्स्ट ऑफ प्रोग्राम 3rd-4th year के लिए आपको अमेजन माइक्रोसॉफ्ट क्रैक करने की डिसेंट चांसेस मिल सके, प्लस गारंटी हो जाए कि आप प्लेस हो गए वेब की वजह से और इंटरव्यू के। कोडिंग एक्सेलेंस प्रोग्राम टीयर 1 के सेकंड थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है, कॉलेज में करके या डीएससी पढ़ो, लेवल 2 लेवल 3 पढ़ो, बाकी और पढ़ो सिस्टम में डेफिनेटली जरूरत है। बिगिनर्स बड़ी प्रोग्राम किसी भी कॉलेज के हो, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 महीने का कोर्स है, आप सब कुछ देख लो फिर देखना किसने मतलब आया आपको पता, उस पर मेहनत करो, लेवल 1 पढ़ो, वेब पढ़ो, पाइथन पढ़ो, 12 महीने का प्रोग्राम, समझ जाना है तो डेव में आना है। गारंटीड जॉब प्रोग्राम पढ़ो, लग गए 5 साल कोई वास्ता नहीं है, अगर मेरे जब मैंने पिछले साल में साथ
पब्लिक लड़ाई हो गई थी, उसने वीडियो बनाई थी, मैंने जाके कमेंट लिख दिया तो थोड़ी लड़ाई हो गई थी, फिर मैंने उसके साथ लिंक्डइन पे क्लेरिफाई कर लिया था कि लड़ाई का कोई वो नहीं है, फिलोसफी का डिफरेंस, आई डोंट एग्री विद बट अभी मैंने अपनी पॉइंट क्लियर किया, अगेन कोई लड़ाई का पॉइंट नहीं, अगर उनका मुझको मैसेज आएगा तो मैं उनसे इज्जत से ही बात करूंगा, आई डोंट एग्री, आई डोंट मीन मीन फॉर यू, फिर वो बस ये आपने हमारे पेट पे लगा ली, हम उनका पॉइंट समझा रहे हैं, आप थोड़े गलत भी हैं। सेम पॉइंट हो गया, आपने लिंक्डइन पे पिछले साल मैसेज किया था, इट इज़ ओके, अगर मैंने पिछले साल जो बिगेस्ट एजुकेशन स्कैम बनाया था, आई डिड नॉट मेंशन एनी कंपनीज, व्हाट आई सेड इज जो ऐसे क्रीम स्टूडेंट्स रहते, क्रीम अगेन क्रीम जो बोलते हैं अमेजन गूगल फेसबुक में प्लेसमेंट कराएंगे, अगेन अ वेरी की पॉइंट, वो सारे स्कैम्स, एंड आई एम अगेन स्टैंडिंग बाय दैट, अगर कोई कर रहा है, मेरे पास काफ़ी ऑफर्स आते हैं, स्केलर के आते हैं, न्यूटन स्कूल के आते हैं, प्रमोट करो, मैं नहीं करता प्रमोट, काफ़ी तगड़ा पैसा देते हैं, आप एक लिंक्डइन पोस्ट देखते हो ना, लोग बोलते रहते हैं ये मास्टर क्लास ले लो, एक एक लिंक्डइन पोस्ट के बंदे लोग 5,000 रुपये लेते हैं, यहाँ पे ऑन पॉइंट बता रहा हूँ 3 से 5,000 रुपये डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ फॉलोअर्स, मुझे भी आते हैं वो ऑफर्स की आप पोस्ट कर दो, आई कैन ईजिली अर्न के महीने में 4-5 पोस्ट आराम से मैं पोस्ट कर सकता हूँ, 16-20 हज़ार मुझे मिल जाएंगे एक महीने के, मैं नहीं करता, देयर आर सम प्रिंसिपल्स जो मैं मान के चलता हूँ। सेम सर, अगर आपको कोई चीज़ लग रहा था आप ठीक है आपने बनाया जो भी है, आप थोड़ा ये सब वर्ड्स अवॉइड कर सकते थे, पर्स हो गया या फिर मतलब अपने पूरा वीडियो मतलब ड्राइवर प्रदीप पूनिया, दिस इज रॉन्ग, आप ठीक है आप एक्स वाई जेड बोल रहे, कोई बोल रहा है दैट इज़ ओके, बट मतलब आप एक लाइव स्ट्रीम पे बोल रहे हो, अगर कोई बंदा जो मुझे नहीं जानता है वो वीडियो देखेगा वो तो बोलेगा ड्राइवर तो पगला है, तो ज़बरदस्ती हाइप बना करके, जैसे आज कोई बंदा यूट्यूब खोला है फर्स्ट ईयर का, उसको पता नहीं है, तो पता है इस ड्राइवर ने स्केलर के अगेंस्ट कुछ बोला है, एंड उसने देख लिया कि सुमित सर ने कुछ बोल दिया, तो उसको तो लगेगा कि इस ड्राइवर साला गधा है, कुछ भी बोल दिया, क्योंकि सर का पॉइंट तो वैलिड है, कमाने के लिए सब है, इंश्योरेंस तो तुमको पता था, तुम साइन क्यों किया ड्राइवर, बट मेन पॉइंट्स पे लोग फोकस नहीं कर रहे, आपने ये कभी आपने ये नहीं बोला कि इस ड्राइवर ने ये बोला कि उसको रेफरल नहीं मिला है, आपने नहीं बोला सर, इस आपको ये सब बोलना चाहिए था, अगर आप पब्लिकली मेरे नाम पे कुछ बोल रहे हो तो आप पूरा बोलो, आप आधा अधूरा बात मत बोलो, फिर लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन पहुँच, एंड दिस इज द रीज़न आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो, सो दैट लोगों को पता चले कि वट इज़ दी लाइक मैंने क्या बोला था एंड कैसे पोर्ट्रे हो रहा है, एंड अगेन सर का मैं काफ़ी रेस्पेक्ट करता हूँ, इवन लाइक मैंने वीडियो देखा मुझे वैसा कुछ नहीं था, हाँ ठीक है डिसलाइक करो वगैरह लाइक ओके, एंड सर का अगेन आई वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑफ यू, एंड या गाइज हु वॉन्ट टू लर्न डेटा सच एल्गोरिथम्स कैन डेफिनेटली चेकआउट दिस चैनल, एंड या इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करते हैं, अगेन नो हेट नो कॉन्ट्रोवर्सीज, इज जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन दैट आई हैव गिवन, इज जस्ट माई पॉइंट दैट आई हैव अगेन मेड, लाइक इट्स अ वेरी स्टैंड पॉइंट, लाइक आई लगे ऑलवेज स्टैंड फॉर इट नो मैटर वॉट हैपन्स, बाय, टेक केयर।